नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गर्ग एक बार स्वागत करता हूं दोस्तों आपका अपने इस चैनल डीजी क्रिएशंस पर। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं कि अपनी आवाज को सुरीला और मीठा किस तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। हालांकि देखिए, भगवान ने जैसे हमें अपनी आवाज दी हो, हम उसी तरीके से ही उस आवाज को यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं जिससे हम अपनी आवाज को सुरीला और मीठापन बनाकर पेश कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस टॉपिक को, लेकिन इससे पहले जैसा कि मैं आपसे हर बार एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके। तो दोस्तों इस तरीके का जो प्रश्न होता है कि हम अपनी आवाज को मीठा कैसे बनाए या फिर सुरीला कैसे बनाए, इस तरीके की जो प्रश्न है वो ज्यादातर न्यू कॉमर्स जो स्टूडेंट्स हैं, जो बिल्कुल नए नए संगीत में आए हैं और कुछ शॉर्टकट्स आई थिंक ढूंढते हैं वो लोग कि जल्दी से हम किस तरीके से सक्सेस प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों कोई भी इस तरीके का कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई मंत्र नहीं है इस तरीके का। आपको मेहनत करनी पड़ेगी तभी आप इस संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। संगीत की जो मेहनत है वो आप जानते ही हैं, संगीत की मेहनत जो होती है वो रियाज से बनती है। अगर आप जितना अधिक रियाज करेंगे उतनी ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि वीडियो का टाइटल है सुर में गाना और मिठास, तो हम सबसे पहले सुर की बात करते हैं दोनों टॉपिक को अलग अलग रखते हुए, कि यदि हम सुर में गाना चाहते हैं तो नेचुरल सी बात है हमें जो हमारी सरगम है, जो हमारे सारेगामा पा धा निसा है, ये हमें सुर में ही पेश करने पड़ेंगे। तो दोस्तों सुर और मिठास के अलावा भी कुछ बातें होती हैं जो गीत के लिए बहुत जरूरी होती है। खाली सुर और मिठास होने से ही बात नहीं बनती है। मतलब आपने सुर में गीत को गाया, मतलब कोमल ध लग रहा है तो कोमल ध ही लगाना है, उसकी जगह शुद्ध ध नहीं लगाना है। तो इस तरीके से पूरे टारगेट करके जब हम सुरों को लगाते हैं तो हमारा गाना बिल्कुल सुर में ही आता है। और चीज हो गई मिठास, मिठास बोले तो फील के साथ उस गाने को प्रेजेंट करेंगे तो अपने आप वो मीठा सुनाई देने लगेगा। और थर्ड चीज जो आ जाती है वो आती है दोस्तों स्केल। मेरे पास बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट हैं जिनको मैं कोचिंग दे रहा हूँ। जब मैं उनको क्लास दे रहा होता हूँ तो मैं ये फील करता हूँ कि वो लोग बहुत जल्दी बेसुरे हो जाते हैं। जो सरगम का ट्रैक है उनका वो किसी और डायरेक्शन में चला जाता है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें उस चीज का अंदाजा लग जाता है और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें उस चीज का पता ही नहीं चलता कि वो कब बेसुरे हो रहे हैं। तो जो लोग सुर से बेसुरे होते हैं लेकिन उनको पता लग जाता है कि हम यहाँ पर हमसे गड़बड़ हुई है, वो लोग तो जल्दी इस चीज को कवर अप कर लेते हैं। लेकिन जिन लोगों को पता ही नहीं चलता, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं जिनको यही नहीं पता चलता कि वो कब बेसुरे हो रहे हैं और कब सुर में चल रहे हैं, उन लोगों के साथ थोड़ी सी स्पेशल टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो सुर में आ जाए। तो दोस्तों वो टेक्निक्स कौन सी होती हैं, आइए हम इस छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं यहाँ जो स्केल यूज कर रहा हूँ वो सी शार्प यूज कर रहा हूँ और जो गर्ल्स हैं वो जी शार्प या फिर बी फ्लैट से, जिसे हम ए शार्प भी बोलते हैं। तो अभी हम सी शार्प से ये रियाज करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सा का रियाज करें। सा को दबाकर सा में जैसे मैंने आपको बताया जितना मुंह खोल सकते हैं उतना मुंह खोलें। और उसके बाद कुछ देर हमिंग करें। पांच पांच मिनट इस तरीके से करें। एक्चुअली ये क्या होते हैं, ये स्टार्टअप होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सुर में आना है इसलिए हम ये रियाज कर रहे हैं, ये स्टार्टअप होते हैं। जब भी आप रियाज करें ये शुरू में ये दो चीजें जरूर करें। और उसके बाद में अब हम आ जाते हैं अलंकारों पर। तो इसके लिए अपने आप को ही आपको कानों पर ध्यान देना है, मतलब अपने सुनने पर अच्छी तरीके से ध्यान देना। पहले सा को बजाया, उसको सुना और उसके बाद फिर से गाया। मतलब ऐसा रियाज करना है कि सुनना है और फिर गाना है, ऐसे नहीं करना। आपको उसे सुनना है पहले और फिर करना है। और उसके बाद में अभी हम छोटा सा और अलंकार ले लेते हैं, जैसे कि पहले सुनना है। देखिए रे गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा, फिर अब रो में सा नी धा पा
पा मा, इस तरीके से आप इसको रो में भी करें, अब रो में भी करें, फिर चार चार स्टेप ले लीजिए, सारे गामा रे गामा पा गामा पा दा, सारे गामा रे गामा पा, मतलब इस तरीके से आप इसको पूरी तरीके से सुने और फिर रियाज करें। अब इसके अलावा आप थोड़े से बड़े अलंकार भी ले सकते हैं, देखिए कैसे। इस तरीके से आप पूरा आरोह भी करिए इसका, फिर अवरोह भी करिए। तो दोस्तों इस तरीके से जब आप रियाज करोगे तो आपके जो सुर हैं वो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे और आप सुर में यानी कि सुरीले तो 100% हो ही जाएंगे। तो दोस्तों बेसिकली जो कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो इस तरीके के वीडियोस बनाते हैं कि देखिए बड़ी जल्दी आप प्लेबैक सिंगर कैसे बन सकते हैं या बहुत जल्दी आप सुरीले और मिठास भरी आवाज में कैसे गा सकते हैं, तो मुझे लगता है ये सब चीजें, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई मंत्रा नहीं होता इस तरीके का। सीधी सी बात है, यदि आप मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे, अगर मेहनत नहीं कर पाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैंने कहा कि कुछ स्टूडेंट सुर में रहते हैं, कुछ बेसुरी हो जाते हैं, तो सुर और बेसुरे में क्या फर्क होता है, अभी हम एक गीत की सहायता से इसको समझने की कोशिश करें। देखिए ये गीत है छोटा सा, रघुपति राघव राजा राम। देखिए अगर आप इसके अंदर कुछ सुर जो है वो गलती से मतलब बेसुर हो रहे, जबकि होता क्या, माँ की जगह आपने ग ले लिया या ग की जगह आपने कोमल ग ले लिया, इस तरीके से जो गड़बड़ हो जाती है ये हम जानबूझ के नहीं करते, स्टूडेंट से कई बार ये हो जाती है, तो इस चीज को समझ कर आगे बढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी अगर गलत हो तो कैसे होगा, पा 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 पा, मतलब स्टूडेंट को खुद से पता नहीं चल पाता और वो एक आधे सुर आगे पीछे हो जाते हैं, जिससे कि क्या होता है पूरे ही गाने की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। तो हमें इन चीजों से बचना है, मतलब प्रॉपर जहां पे सुर जो लग रहा है जो धुन है उस धुन को पूरी तरीके से माइंड में स्टेबल करना है। अगर वो पूरी तरीके से धुन बैठी होगी हमारे दिमाग में तो हम नेचुरल सी बात है उसको बिल्कुल सही तरीके से ही उठा पाएंगे। तो इसके लिए सबसे जरूरी जो है वो है रियाज। आप सरगम का रियाज करें, अलंकारों के रियाज करें, इसका रियाज अधिक से अधिक करें तो आपके जो सुर है वो पक्के ही रहेंगे। तो दोस्तों ये तो हुई सुर से बेसुरे होने की बात, मतलब कि सुर से एकदम से हमारा जो लिंक हट जाता है तो बेसुरापन अपने आप ही आवाज में झलकने लगता है। तो दोस्तों अगर हम सुरीली और मीठी आवाज अगर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तभी आवाज जो है वो बहुत बेहतरीन दिखेगी, सुनाई देगी। तो अभी हम बात करते हैं मीठी आवाज की। तो मीठी आवाज का मतलब क्या होता है, ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर कुछ शहद या चीनी लगी होती है ना। तो मीठी आवाज का मतलब जो बेसिकली यही है कि जो कानों को सुकून दे। सपोज मान लीजिए आप सुन रहे हैं, आपका दिल आज थोड़ा सा टूटा हुआ है, थोड़ा सा मन में दर्द है, तो आपने किसी दुख भरे गीत को सुना, तो क्या हुआ उस गीत को जब आप सुनेंगे ना तो उसकी जो फीलिंग है उसको अपने अंदर ऑब्जर्व करेंगे, फील करेंगे। लेकिन फील कैसे कर रहे हैं आप, फील इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब सिंगर ने उस गीत को गाया तो आपके दर्द को उस सिंगर ने अपने अंदर पहले उतारा, उसके बाद उस गीत को पेश किया। कोई भी सैड सॉन्ग है या कोई खुशी भरा गीत है तो उसके अंदर जो एक्सप्रेशंस होते हैं सिंगर को वैसे ही अडॉप्ट करने पड़ते हैं, तभी एक सक्सेसफुल सिंगर जो है वो प्लेबैक सिंगर जो है तभी सक्सेसफुल होता है अगर वो पूरे मूड को अंदर लेकर फिर गाने को पेश करता है। तो ये जो फीलिंग है वो कैसे आएगी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि उस मूड को पूरा लेना है, उस फील को पूरे अपने अंदर अडॉप्ट करना है, उसके बाद उस गीत को पेश करना। अगर सैड सॉन्ग है तो सैड मूड को बनाकर गाने को गाइए, अगर खुशी भरा है तो खुशी वाले मूड को लेकर आइए फिर गीत को गाइए। और थर्ड चीज जो आ जाती है वो आती है दोस्तों स्केल। गाने को मान लीजिए हमने एफ शार्प से उठाया है, तो चाहूंगा मैं तुझे गीत को मैं ज्यादातर एफ शार्प स्केल से गाया जाता हूँ स्रोत वगैरह, तो एफ शार्प स्केल से जब मैं गीत को गा रहा हूँ तो देखिए ये गीत यहाँ तक मतलब कि कोमल ग तक पहुंच रहा है। देखिए F sharp स्केल है और इस F sharp स्केल से जब मैंने इस गीत को गाया तो ये कोमल गा तक चला गया। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे स्केल का अंदाजा नहीं हो पाता और मैं F sharp की जगह इस गीत को G sharp से उठाता हूँ तो नेचुरल सी बात है वो जहाँ पहले कोमल गा तक जा रहा था वो ऊपर तक जाएगा। तो देखिए कैसे रहता है ये। अब ये जो जी शार्प से अगर मैं इस गीत को ले रहा हूं तो ये मा तक
चला गया है। तो सोचिए अगर मुझे कोमल ग तक जाने में ही दिक्कत हो रही थी तो म तक जाने में तो और दिक्कत होगी। तो मान लीजिए इस गीत में तो हम लोग जी शार्प तक आराम से पहुंच गए और हमने गाना गा भी लिया, थोड़ी बहुत दिक्कतें भी हुई, लेकिन ऐसा हर गीत के साथ नहीं होता। ये एक एग्जांपल है, मतलब किसी और गीत को लेंगे तो हो सकता है हमें बहुत अधिक समस्याएं उस गीत को गाने में आए अगर वो स्केल परफेक्टली ना लिया जाए तो। अगर हमें लग रहा है कि एफ शार्प से हम गीत को नहीं उठा पा रहे हैं तो हम उसको एफ मेजर कर लेंगे, वन सेमीटोन नीचे कर लेंगे ताकि हम उस गीत को अच्छी तरीके से निभा पाए। तो दोस्तों कुछ लोगों के मतलब ऐसे उदाहरण होते हैं कि भाई देखिए अगर आप मिश्री खाएंगे तो आवाज मीठी हो जाएगी, इलायची खाएंगे, लौंग खाएंगे, दालचीनी खाएंगे, शहद खाएंगे, इस तरीके की जो बातें होती है कि ये सब खाइए आवाज जो है वो मीठी हो जाएगी। तो मैं ये कहूंगा दोस्तों इन सब चीजों से आवाज का कोई लेना देना नहीं है। हाँ गला साफ जरूर होता है बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सुर में आ जाएंगे या आपकी आवाज में मिठास आ जाएगी। तो इन चीजों में वहम में बिल्कुल नहीं पड़ना है, आपको अपने रियाज पर फोकस करना है। रियाज अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग बहुत आगे जाने वाले हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये लेसन समझ आया होगा और अगर समझ आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, नमस्कार।